जब भी गाइस आप यहाँ पर कैपकट के अंदर वीडियो एडिट करते हैं, जब वीडियो एडिट करते हैं तब यहाँ पर जब फिल्टर अप लेने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑन रहने के बाद भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको सिंपली बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है आपके। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ऐप्स में आना है, फिर यहाँ पर आपको कैपकट में आ जाना है। सर्च कर लेना आपको कैपकट, नीचे यहाँ पर आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको स्टोरेज में आ जाना है, फिर यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको कैपकट का लोड कम कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड कम करने के लिए आपको सिंपली क्लियर कैच कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे सर्च कर लेना है आपको कैपकट APK अपडेटेड वर्जन, ठीक है, आपको सर्च कर लेना है, जिससे यहाँ पर आपको वेबसाइट आ जाएगी कैपकट अप टू डाउन की। इसके अंदर आ जाना है और अपडेटेड वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर इंस्टॉल कर लेना है। जो पुराना वाला है आपको वो डिलीट करना पड़ेगा, पुराना वाला आपको डिलीट करके नया वाला यहाँ पर आपको अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करना है, जिससे गाइस आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इजीली फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।